दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2021 किया सोरेंटो एक्स लाइन विद 281 ब्रेक हॉर्स पावर एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। So 2021 Kia Sorento and this one is the X Line. मैं just गाड़ी साइड में पार्क करके आपको पूरा इसका एक्सटीरियर इंटीरियर दिखा दूंगा एंड देन विल गो बैक ऑन ड्राइव अगेन एंड देन इसका सारा ड्राइविंग रिलेटेड गियर बॉक्स हैंडलिंग एंड वो सारा बात करेंगे। जो है पूरा किया का वीक ही रहा, इसके पहले मेरे पास जो मीडिया कार जो कि मैजडा की CX-5 तो उसका जो मैंने है किया सेल्टोस के साथ कंपैरिजन वीडियो बनाया था। देन न्यू किया कार्निवल जस्ट अभी शोरूम पे आना चालू हो गया तो उसका मैंने वीडियो बनाया था एंड देन अगेन बैक दिस एंड किया स्टिंगर GT उसका भी वीडियो अभी होपफुली यही वीक में करना है। तो पूरा काइंड ऑफ ये किया का वीक ही हो गया। सो बिफोर वी वर्ड मैं यही सब बोला था, मैं यही सब करता हूँ यहाँ पे जहाँ मैं टोरंटो कैनेडा में रहता हूँ, यहाँ पे मैं सारे जो हिंदी कार रिव्यूज करता हूँ यहाँ के ऑडियंस के लिए, बट डेफिनेटली वीडियो यूट्यूब पे जाते तो सबके लिए ही होता है। सो बेसिकली ये जो है सारा यूनिक कंपैरिजन हो गया, यूनिक यूनिक ब्रांड्स हो गए, जेनेसिस एक्यूरा मैजडा एंड बाकी सारे जो आपके रेगुलर लग्जरी ब्रांड्स है उनके भी यूनिक यूनिक कार्स है, उनके जो सारे हैं मैं हिंदी में वीडियोस करता हूँ। सो आप जितना चैनल को हेल्प करोगे ग्रो करने में उतना ही और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक कार्स आपके लिए ले आ पाऊंगा। सो सारे जो एंगेजमेंट बढ़ाने की चीज़ें हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो ज़्यादा देर देखना एंड देन हिटिंग द बेल आइकन एंड ऑल दैट स्टफ, सो डेफिनेटली डू ऑल दैट। सो जितना चैनल ग्रो होगा उतना ही मैं और यूनिक यूनिक आपके लिए कंटेंट ले आऊँगा। सो दिस इज द ऑल न्यू 2021 किया सोरेंटो एक्स लाइन एंड जैसे ये की है मिड रेंज मॉडल है, इसका टॉप एंड मॉडल जो होता है XSX आता है, जो है आपको सारे जो बेल्स एंड व्हिसल्स एंड सारे जो फीचर्स है वो कार के मिलेंगे बट इंजन जो स्पेसिफिकेशंस है वो सेम ही है कार के। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अभी ये वाइड एंगल में कार इतना अच्छा दिख रहा है बट डेफिनेटली अगर मैं ये देखो ये जो स्टैंडर्ड आपका कैमरा एंगल है उसमें भी आप कार का लुक देख सकते हो, स्पेशली फर्स्ट थिंग दिस कलर एंड ओवरऑल जो लुक्स है कार का पूरा वो रूफ रेल्स देख सकते हो, इट्स वेरी स्टाइलिश। सो ये टेल्यूराइड के थोड़ा सा नीचे आता है, टेल्यूराइड के एक सेगमेंट नीचे है एंड थोड़ा उससे छोटा भी है, बस इसमें एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है वो है इसके DRLs। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एम्बर DRLs नहीं आते, रेगुलर आपके वाइट DRLs ही आते हैं जो कि एम्बर होते तो काफ़ी अच्छा दिखता बट शायद टेल्यूराइड की वजह से उसका जो यूनिक लुक्स है, अपने K5 भी मेरा K5 का जो वीडियो है उसमें भी देखा होगा कि उसमें भी जो है एम्बर LED लाइट्स ही आते हैं, बट इवन इसमें भी कुछ ऐसा अनयूजुअल सा डिज़ाइन नहीं है, एक सिंपल जो है आप देख सकते हो वाइट LED स्ट्रिप है बट इसके हेडलाइट जो है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ये जो आपके स्टैंडर्ड है एंड जब हाई बीम करते हो वो बाकी दो जो है वो हाई बीम है एंड इसमें जो स्टैंडर्ड टर्न इंडिकेटर्स है पूरा LED टर्न इंडिकेटर नहीं है। एक चीज़ जो है जैसे कि मैंने अभी LED ऑन कर ली है तो अभी शायद आपको LED इसकी अच्छे से दिख रही होगी। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ जो है मैंने रिफ्लेक्टर की बात की थी, उसमें रिफ्लेक्टर तो है ही बट यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में येलो ये लाइट भी है, सो काइंड ऑफ इट्स डबल थिंग जो मैंने काफ़ी कार्स में देखा नहीं है एक्चुअल में एंड इसके मैं अभी जो है पीछे यूजुअली आपको बताता रहता हूँ कि रेड टर्न इंडिकेटर्स होते हैं। सो आप अभी इसमें भी देख सकते हो जो नॉर्थ अमेरिकन कार्स में यूजुअली जो होते हैं रेड कलर के ही टर्न इंडिकेटर्स होते हैं या हैजार्ड लाइट्स बोलो आप, जो कि यूजुअली यूरोप हो गया इंडिया हो गया वहाँ पे आपने देखा होगा कि एम्बर कलर के होते हैं। इसमें जो है किया का न्यू लोगो नहीं आता, जो मैंने किया कार्निवल का ये भी एक वीडियो लिया था जो मैं अभी आपको शॉर्ट्स प्ले करके दिखाऊंगा, तो उसमें जो है वो 2022 मॉडल ईयर है तो सारे 2022 मॉडल ईयर है उसमें जो है किया का न्यू लोगो आपको आ जाता है बट सेम ऐसा जो किया बोला टाइगर शेप ग्रिल सेम इसमें आता है एंड देन इसका जो बम्पर है आप देख सकते हो पूरा प्लेन है, तो इसका टॉप मॉडल है उसमें जो है थोड़ा डिफरेंट बम्पर आता है, थोड़ा यहाँ पे साइड में कट्स आता है जो एयर फ्लो होता है अराउंड द आउटसाइड ऑफ द व्हील्स वो आता है एंड देन यहाँ पे भी आपको जो है वो फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, सो वो एक आपको इसके जो है टॉप मॉडल में मिल जाता है बट जो ओवरऑल स्टाइलिंग है एंड लुक्स है कार का मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक एंड स्टैंड आउट है
एंड इसके साइड प्रोफाइल में अगर हम आए तो अभी इसके जो व्हील्स है ये जो है ट्रेडिशनल ये एक्स लाइन के साथ जो है ये व्हील्स आते हैं। एंड देन बाकी आप देख सकते हो एक्स लाइन के लिए ये जो यहाँ पे बैजिंग है वो है। टॉप मॉडल के लिए सेम डिज़ाइन आता है बट उसमें कुछ जैसे कि अभी इसमें एक्स लिखा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आता। एंड देन इसके जो व्हील्स है ये 20 इंच के रिम्स है ये कार में 20, 255, 45, R20। तो वो जो व्हील्स का साइज़ है एंड कार का साइज़ है व्हील्स के परस्पेक्टिव से आप जो है कार के साइज़ का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। सो बेसिकली अभी ओवरऑल बाकी कुछ है नहीं साइड में अपार्ट फ्रॉम दिस। अभी ये जो थिंग है वो सेम जो है मैंने किया कार्निवल का वीडियो जो बनाया था उसमें भी था ये काइंड ऑफ, बट उसमें और प्रोनाउंस्ड है। बट ये आप देख सकते हो पूरा एक काइंड ऑफ राउंड है जो यहाँ से होके जाके ये पूरा जो अभी ये पर्टिकुलर कार में पूरा ब्लैक्ड आउट फिनिश है इसलिए इतना समझ के नहीं आ रहा। पर्सनली मुझे लगा ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है वो चीज़ को लेके। एंड अभी इसके रियर लुक में आए तो डेफिनेटली काफ़ी ही मतलब एकदम भी स्टाइलिश नहीं बोल सकते जैसे कि किया टेल्यूराइड है। इसमें भी आप देख सकते हो स्प्लिट टेल लाइट्स है, ये कुछ ऐसे खास इसमें डिज़ाइन LED ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल। और अभी टर्न इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर्स वही हैं, रिवर्स लाइट जो है आपके यहाँ नीचे वहाँ देख सकते हो। कोई एक फेक एग्जॉस्ट शेप देने का ट्राई नहीं किया है, कुछ दिया ही नहीं है विच इज़ नाइस। मतलब आज के जो है सारे डिज़ाइन होते हैं वो हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, आप एक्चुअल एग्जॉस्ट जो है वहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी ऑफकोर्स ऑल व्हील ड्राइव है ये कार, कि मैं जैसे ही गाड़ी आई थी बूट ओपन करने के लिए मैंने हाथ यहाँ किया था जबकि वो है नहीं, वो एक्चुअल में जो है बटन यहाँ पे है। एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको नहीं आता जो कि टॉप वेरिएंट में आता है। एंड ये जो मैंने एक सीट जो है ऊपर रखी थी आपको स्पेस शो करने के लिए, अगर आपका थर्ड रो भी ऊपर हो तो आपको एक रिलेटिवली काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। एंड इसको फोल्ड करने के लिए अगर मैं इसको वापस ऐसे पुश कर दो तो उसी से पुश होता है, यानी पूरा उसी से फोल्ड होता है एंड यानी आपको पूरा फ्लैट सरफेस मिल जाता है। मैंने जंपर ऐसे ही रखा क्योंकि मेरी जो अकॉर्ड है वो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सो अभी जैसे कि किया मैंने जहाँ से प्रेस कार उठाई वहाँ छोड़ी है तो एक भी कैसे रहती है तो कभी कभी जंपर यूज़फुल हो जाता है ना। अभी यहाँ पे पीछे ऑफकोर्स अभी स्नो तो आने नहीं वाली, जो स्नो के लिए जो होता है वो दे देता है। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की जो काफ़ी सारे कार्स में ए सेगमेंट में एंड ऊपर वाले सेगमेंट में नहीं होती एंड वो है इसका थर्ड रो में जो है आप एसी का फ्लो एडजस्ट कर सकते हो फैन स्पीड। यस, तो ये जो है काफ़ी ही यूनिक लगा मुझे कार में। मैंने काफ़ी जो है आपने भी देखा होगा काफ़ी कार्स में नहीं होता। एंड ये जो सेकेंड रो जो है आप यहाँ पे बटन से इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हो विच इज़ ऑलवेज अ नाइस थिंग, बट आपको ऑफकोर्स उसको वापस ऊपर मैन्युअली ही लाना है। सो जो बटन है पावर आउटलेट है एंड देन USB। यस, देर आर सो मैनी USBs इन दिस कार, बट उसमें एक चीज़ आता है कि आपका जो हाउस अडेप्टर टाइप प्लग होता है वो ये कार में कहीं भी नहीं है। बट आप देख सकते हैं वहाँ पे सॉकेट्स है, अभी वो पार्ट दिखाई रहा। सो नाउ लेट जस्ट गो इन द मिडल रो ऑफ दिस कार एंड मैं ये सीट वापस ऊपर फोल्ड कर देता हूँ। सो अभी इसके मिडल रो में देर आर फ्यू थिंग्स टू शो। अभी जैसे कि ये कार में कैप्टन सीट्स ही आते हैं तो इसलिए आप बीच में जो है आपको ये आर्मरेस्ट तो मिल जाता है जो कि काफ़ी ही पतला है, डेफिनेटली काफ़ी ये कार को सूट नहीं किया। पर्सनली मुझे जो है काफ़ी वीक एंड मतलब एकदम लो क्वालिटी, क्वालिटी वाइज लो मतलब एकदम स्टर्डी फील होता है बट वो देखने में एकदम वीक है। बस बेसिकली अभी जैसे कि आपने देखा हो कि आप भी यहाँ पे आर्मरेस्ट है, कैप्टन सीट है, तो कप होल्डर्स। सो कप होल्डर्स यूजुअली कोई कार्स में यहाँ होते हैं बट इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे भी आपको जगह है एंड देन ऊपर भी आपको जो है प्रॉपर कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, जो कि मुझे एक्सेस पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली यहाँ पे कहीं पे भी होना। सो काफ़ी एक अच्छा। एंड ये कार जैसे कि टॉप मॉडल नहीं है तो इसमें हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे ऑप्शन है वो पीछे के सीट में नहीं आते, नहीं तो आपको एटलीस्ट हीटेड सीट्स तो पीछे मिल ही जाते। एंड मैं USBs की बात कर रहा था तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सीट के पीछे एक USB है एंड देन यहाँ पे भी USB है, यहाँ पे USB पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट है, आगे 3 USB है, देन उसके बीच में वहाँ पे भी अंदर भी USB है। तो काफ़ी सारे USB पोर्ट्स हैं ये कार में। एंड ये कार में जो है ये सारे जो लाइट्स हैं वो येलो आते हैं, जो आपको वाइट LED आते हैं टॉप मॉडल में। एंड सनरूफ भी नहीं है ये कार में, जो कि टॉप मॉडल में आपको पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। सो आप ये ओवरऑल इंटीरियर आप पीछे का इसका देख सकते हो, इवन यहाँ पे डिज़ाइन चेंजेस भी है जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे नहीं है टॉप मॉडल में, आपको शायद पीछे के सीट पे एटलीस्ट टॉप जो है सॉफ्ट टच मटेरियल आते हैं। बट आप ये डिज़ाइन देख सकते हो सेम जो है किया कार्निवल में था, एक काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, मुझे पर्सनली काफ़ी मतलब ऐसा अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ तो है, नहीं तो प्लेन एटलीस्ट पैनल तो नहीं है। एंड नाउ लेट्स गेट इन द ड्राइवर सीट ऑफ दिस कार एंड नाउ इन द फ्रंट सीट में कार जो है स्टार्ट कर देता हूँ। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप यूजुअल न्यू किया के जो स्टेयरिंग वेल है वो देख सकते हो
एंड जो बाकी चीज़ है ओवरऑल आप लेआउट देख सकते हो, मैंने किया सेल्टॉस चलाई थी, जो ओवरऑल ऊपर का लेआउट है वो सिमिलर ही है बाकी मोस्ट ऑफ द कियाज में, आपने देखा होगा। बट ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लाया किसने भी डिज़ाइन किया, काफ़ी अच्छा किया है। एक जो यूजुअल आपके ट्रेडिशनल कैबिन होते हैं उससे काफ़ी मतलब वेल डिज़ाइन लग रहा है, कोई कोई लगता है एकदम ओवर डिज़ाइन है, कोई कोई एकदम सिंपल होता है, बट आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ परफेक्ट बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत स्टाइलिंग है, सेम मैंने जैसे आपको पीछे बताया था सेम वहाँ डोर पे भी है, सो मुझे पर्सनली वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो ओवरऑल ये एक्चुअल में है प्लास्टिक बट ऐसे दिखता है मेटल है, आप देख सकते हो पूरा ये प्लास्टिक है, बट इवन देन इट लुक्स वेरी नाइस। एंड यहाँ पे जो है टॉप मॉडल में आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश आता है, जो इसमें जो है सैटिन फिनिश है, जो मुझे अच्छा लगा क्योंकि पियानो ब्लैक काफ़ी ख़राब हो जाता है भले कि दिखने में अच्छा हो। अभी ये कार के जो है आप ओवरऑल ये सेंटर कंसोल देख सकते हो, सो इसमें काइंड ऑफ आप फ़ोन होल्डर समझ लो, यहाँ पे आपको दो जो है कप होल्डर्स आते हैं, एंड देन यहाँ पे जो है आपका वायरलेस चार्जर, ये ऐसे मिड रेंज होके भी एक कार में वायरलेस चार्जर है। एंड बाकी मोस्ट ऑफ के जो आपके यूज़फुल फीचर्स होते हैं वो सारे ये कार में हैं। हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स होते तो यहाँ पे आपका वो लोगो होता है वेंटिलेटेड सीट्स का, तो ये ऐसे कंट्रोल होता है जैसे कि अभी पीछे नहीं आ रहा क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स है नहीं। एंड देन ये क्लोज़ भी होता है, तो आपको ये भी है जो है टॉप मॉडल में पूरा पियानो ब्लैक ही आता है। बस ये एसी वेंट जो मुझे लगा, अब यूजुअली जो है आप एसी वेंट ऐसे शट कर सकते हो, और शट करने के बाद भी यहाँ पे एक छोटू सा वेंट है जो कि वहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, सो एक काइंड ऑफ जस्ट वो एक एसी वेंट हमेशा रहता ही है, एयर फ्लो हमेशा रहता ही है। सो मुझे नहीं पता इस पर मैं क्या पॉजिटिवली कमेंट करूँ, बट आप वो भी जो है इसका फ्लो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, बट नॉनदरलेस इट्स स्टिल देयर। अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल है टॉप मॉडल नहीं है, मैंने जो किया कार्निवल आपको जो मैंने बाहर से भी बताया था, सो किया कार्निवल के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं अभी आप प्ले कर दूंगा, सो उसमें जो टॉप मॉडल में ऐसा पूरा डिजिटल सिस्टम आता है, एंड देन आप वो आपका ब्लाइंड स्पॉट लेफ्ट का इंडिकेटर दो तो लेफ्ट में, राइट का दो तो राइट में, एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पूरा जो है। बस किया में एक चीज़ अच्छा है, जो किया के जो मॉडल्स है हुंडई में पूरा सारा कुछ ही टच आता है, बट कियाज में जो वॉल्यूम नॉब एंड ट्यूनिंग नॉब आपको ये फिजिकल नॉब्स मिलता है, बट हुंडई में जो पूरा ही डिजिटल आता है। एंड देन टॉप वेरिएंट में उसके जो यूजुअल फीचर्स है आपके साउंड्स ऑफ नेचर एंड वो सारा कुछ आपको आ जाता है। एंड देन ड्राइविंग मोड्स, यहाँ पे अगर आप बटन प्रेस करो तो ट्रेन में जाते हैं, देन आप सैंड मड एंड स्नो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर वापस प्रेस करो तो आप स्पोर्ट, स्मार्ट, कंफर्ट एंड ईको में से चूज कर सकते हो। लेट जस्ट लिव इट इन कंफर्ट और ईको क्योंकि कुछ मतलब नहीं है, स्पोर्ट्स में इसका बस स्टीयरिंग फील जो है चेंज होता है, देन आरपीएम हमेशा हाई ही रहता है, बट यूजुअल अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अभी ये सोरेंटो से जो है किया में भी सारे जो है पूरा आपको हुंडई जैसा जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें अच्छे से कवर कर ली है एक एकदम, आई थिंक मैंने यूजुअली जो मेरे वीडियोज़ है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखो। अभी वापस इसको ड्राइव पे ले चलते हैं एंड देन इसका सारा जो है ड्राइविंग रिलेटेड एंड ऑल दैट स्टफ। सो नाउ ड्राइविंग बैक अगेन द किया सोरेंटो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी इंजन स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करते हैं। सो अभी ये कार में जो आता है वो है इसका 2.5 लीटर का टर्बो चार्ज फोर सिलेंडर इंजन विच प्रोड्यूस 281 ब्रेक हॉर्स पावर। एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। तो जो इनिशियल एक्सेलरेशन है एकदम ऐसा कुछ लॉन्च कंट्रोल वगैरह नहीं है कार में, तो जो आप ब्रेक बूस्ट जो करते हैं उसमें इतना लॉन्च नहीं होता, इनफैक्ट आप अगर सिंपली लॉन्च करोगे तो काफ़ी अच्छा लॉन्च होता है। अब लॉन्च होता है एग्जैक्टली पूरा लॉन्च नहीं होता, बट एक आप समझ लो 20 के स्पीड के बाद का एक्सेलरेशन इसका काफ़ी अच्छा है, इन ईयर एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, वो जो टर्बोचार्ज इंजन के साथ यूजुअली होता ही है। सो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी इनफैक्ट पावरफुल फील होता है ये कार। अभी फर्स्ट जो है स्टीयरिंग फील के मामले में बात करें, सो आई डोंट नो हाउ लाइक इतना डिफरेंस कैसे होता है। मैंने हमेशा कहा है कि हुंडाइज के जो स्टीयरिंग है जो यूजुअली मेरे को काफ़ी लाइफलेस फील होते थे वो ओवर द टाइम काफ़ी इंप्रूव हुआ है, बट इवन देन जो आप हुंडाई एंड किया ड्राइव करोगे उसमें जो स्टीयरिंग फील है वो काफ़ी ही डिफरेंट है। एंड किया का जो है पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्टनेस हो गया, ऑफकोर्स ये सारा जो होता है वो मॉडर्न कार्स में काफ़ी लैकिंग ही होता है, बट मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि काफ़ी ही इसमें कंपैरेटिवली अच्छा है। बस एक चीज़ जो यूजुअली आपने मैं देखा होगा कि मैं कोई भी कार स्पेशली न्यू कार्स में होता है तो काफ़ी साउंड इंसुलेशन को लेके ज़्यादा मतलब मैं यूजुअली वह जो है फोकस करता हूँ, बट इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि पता नहीं थोड़ा साउंड इंसुलेशन लैकिंग लगा। तो सेंटा फी मैंने चलाई थी उसमें क्लियरली साउंड इंसुलेशन उसका बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन जो है सेंटा फी, बट इसमें जो है कभी कभी मैं ऐसे पीछे देखता हूँ कि कुछ विंडो ओपन है कि नहीं है, स्पेशली मतलब लोअर डाउन हो गया काफ़ी ही रोड नॉइज आता है, बट टायर नॉइज वगैरह हो गया काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है क्योंकि ये कार में जैसे कि अभी विंटर टायर्स है तो वो हिसाब से इसका जो है टायर नॉइज काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है, बट हाईवे पे हो गया विंड नॉइज हो गया एंड वो सारा चीज़ें है जो मुझे काफ़ी नोटिस हुई ये कार में।
सो वो एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी क्योंकि काफ़ी मैं जो हाँ एक्सपेक्ट शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी इसको लेके। जनरलाइज जो साउंड इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा, जैसे कि अभी मेरे साइड में आप देख सकते हो बड़ा ट्रैक्टर ट्रेलर है, बट उसका कोई नॉइज़ जो है कैबिन के अंदर नहीं आ रहा, बट एक काइंड ऑफ लोअर बैक, पता नहीं एक काइंड ऑफ एक वियर्ड फीलिंग थी वो। एंड अभी इसके राइड क्वालिटी में आते हैं, हैंडलिंग पे आएंगे, मैं जस्ट वो रोड जो है वहाँ का वेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कर्व वाला रोड है तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो है कार थ्रू पोर्टल्स, एज यूजुअल मैं हमेशा हुंडई एंड किया के वीडियोज़ में जो है बोलते ही आ रहा हूँ, मतलब हमेशा से काफ़ी ही कंफर्टेबल रही है कार। ये बड़े बड़े पोर्टल से भी इसमें बिल्कुल भी थडिंग नॉइज नहीं, कुछ नहीं। एंड जो इन जनरलाइज हाईवे का भी राइड क्वालिटी है, कार काफ़ी प्लांटेड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली दिस ओवरऑल जो किया सोरेंटो है उसमें काफ़ी ही इंप्रेस्ड हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था। एंड देन इसका लेन के असिस्ट, मैंने इंस्टा पे भी काफ़ी इसके वीडियोज जो है वो डाले है, वन ऑफ द बेस्ट जो है इसका लेन के असिस्ट होता है। एंड इसमें और एक अलर्ट चीज़ है, बाकी सारे जो इसमें मैंने कहा फीचर जो है, बाकी सारे फटीग अलर्ट हो गया वो सारे फीचर्स तो आते ही है, बट इसमें और एक फीचर जो है, अगर मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, अगर समझ लो लाइट पे खड़े हो आपका ध्यान नहीं है, एंड जैसे कार में ऑटो होल्ड आता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है, तो कार बंद ही होती है, तो आपके आगे की कार अगर जो है आगे बढ़ जाए तो ये कार जो आपको नोटिफाई करती है कि जो लीडिंग कार है दैट हैज़ मूव्ड अहेड, सो आपको कार अलर्ट कर देती है। सो वो जो है एकदम नीट फीचर है, एंड आई थिंक एवरी कार शुड, मैंने पता नहीं अभी तक एक कार्स में कोई कुछ देखा क्यों नहीं है फीचर, मतलब काफ़ी यूजफुल फीचर है। कभी कभी आपका ध्यान नहीं होता, बात कर रहे होते हैं या कुछ तो आप और कर रहे थे जो कि करना नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, बट स्टिल आपको एक कार अलर्ट कर देता है कि हाँ आगे की गाड़ी जो है आगे बढ़ चुकी है, नाउ यू ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। एंड अब इसकी हैंडलिंग की बात करते हैं, अभी जैसे कि मैं कॉर्नर पे हूँ, यू वुड बी इम्प्रेस्ड विद द हैंडलिंग ऑफ दिस कार। एंड अभी जैसे कि मैं ये स्लो स्पीड कॉर्नर में भी अभी देख सकते हो एकदम शार्प कॉर्नर है, एंड अभी मैं अगर एक्सेलरेट करूँ एकदम मुझे लगा कि ओवर स्टील फील होने वाला है, बट वैसे हुआ नहीं। सो बेसिकली ओवरऑल जो है कार का कंट्रोल जो है काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग फील भी वो चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करे, तो ओवरऑल इज़ अ वेरी इंप्रेसिव पैकेज। लास्ट जो है ये सेगमेंट में ये कार जो है, मैंने जैसे कि कहा था हम CX-5 के साथ भी RDX मैंने बोला था, बट अगर साइज़ की बात करें RDX थोड़ी बड़ी आती है, सो काइंड ऑफ ये कार के सेगमेंट में भी वो आती है, बट वो एक काइंड ऑफ प्रीमियम ऑफरिंग है, जैसे कि जेनेसिस हो गया ये जो फैमिली में उनका प्रीमियम ऑफरिंग, तो ये कार जो है हैंडलिंग का मुझे उसका रिमाइंड करती है। उसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, बॉडी कंट्रोल इतना अच्छा था, सेम ये कार में मैंने जो फर्स्ट जो मेरे पास जैसे कि इसके पहले CX-5 थी उसका भी जो है बॉडी कंट्रोल काफ़ी अच्छा था, बट मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था कि ये कार उससे बड़ी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा जो होगा बॉडी रोल होगा, एंड ओवरऑल जो कॉर्नर्स पे है वो डिफरेंट फील होगा एक टिपिकल SUV टाइप, बट ये कार इतना प्लांटेड रहती है टर्न्स में, एंड अगर आप जो हाईवे रैम्स होते हैं उसमें भी आप अगर एक्सीलरेट करके निकलते हो तो काफ़ी अच्छा। अभी जैसे कि ट्रेन ट्रैक्स आ रहे हैं आप देख सकते हो एकदम कंफर्टेबल, एकदम हार्श ट्रेन ट्रैक्स नहीं थे, बट इवन देन आपने देखा होगा नॉइज़ नहीं, सस्पेंशन नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम राइड क्वालिटी हो गया। ओवरऑल जो मेन चीज़ वही है अगेन हैंडलिंग कार का, आप बहुत ही इंप्रेस रहोगे, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि आई लिव विद दिस कार फॉर अ वीक, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो पता लग जाती है, हैंडलिंग रिलेटेड हो गया, साउंड इंसुलेशन रिलेटेड हो गया, जो पहले मुझे लगा था कि साउंड इंसुलेशन इसका इतना अच्छा नहीं है, बट जैसे कि मैं यूज़ करते गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे लेके गया, जैसे कि अभी ट्रेन ट्रैक्स हो गए, कंट्री साइड रोड्स पे जहाँ मैं अभी हूँ, तो वहाँ पे उतना ही मैं कार के साथ और इंप्रेस्ड होते गया, जो इनिशियली मैं था नहीं इतना। सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करो, तो उतना ही और अच्छे अच्छे जो है वीडियोस में ले आ पाऊंगा। एंड आई थिंक अब मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें अभी इसमें कवर कर लिया है, सो नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन। एंड देन इसके गियर बॉक्स के ऊपर फाइनली जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि मुझे नहीं अच्छा लगा, इसकी गियर शिफ्ट, इनिशियली जैसे आप रेगुलर यूज़ में गाड़ी चला रहे हो, आप पैडल शिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, डे टू डे यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिक मोड पे, तो आपको ये इशू फील नहीं होगा, बट जैसे आप मैनुअल मोड यूज़ करते हो मतलब लिटरली इतना स्लो रिस्पॉन्ड होने के लिए, मैं शिफ्ट करके एंड देन इसका वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, मतलब वन हैंड से कि कैसे इतना वो बाद में शिफ्ट होता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं पूरा बैक टू बैक शिफ्ट 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 करूँ एंड देन अब भी शिफ्ट होता है लिटरली, मतलब अगर मैंने समझो मैं 120 के स्पीड पे हूँ एंड देन मैं डाउन शिफ्ट करूँ 1 2 3 एकदम भी फास्ट नहीं, नॉर्मली भी डाउन शिफ्ट करूँ 1 2 3 उसके बाद ये जाके जो है धीरे एक शिफ्ट होगा फिर एक शिफ्ट होगा, 1 सेकंड नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट हाफ सेकंड का तो ईजिली डिले है, मतलब एकदम नोटिसेबल डिले है, पता नहीं क्यों, मतलब और किसी, मतलब मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी नहीं कि किसी ने ये चीज़ पॉइंट आउट की हुई है एंड ये क्यों है ऐसा, सो डेफिनेटली आई विल आस्क किया अबाउट इट।